बलापाड़ा थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी मामले की गुत्थी सुलझाते हुए शातिर बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में 5 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 नाबालिग हैं। मंगलवार को मामले का खुलासा करते हुए एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि 9 अप्रैल को करण पिता छोटू मोबाइल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मगरखेड़ी में रात्रि प्रतीक्षालय के पास से 2 बाइक सवार मोबाइल चोरी कर ले गए। शिकायत के आधार पर वाहन चेकिंग लगाई गई, जिसमें बाइक सवारों को खलटाका चौकी के पास रोका गया। पूछताछ में दोनों ने बाइक चोरी और मोबाइल चोरी करना कबूल किया। इन चोरियों में 3 नाबालिग भी शामिल थे। इनकी निशानदेही पर 11 बाइक, 10 मोबाइल और 3 मोटर पंप बरामद किए गए हैं। पुलिस अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। विगत दिनों कई थाना क्षेत्रों से जो मोटरसाइकिल चोरी की इंसिडेंट हो रही थी, उसमें एक विशेष टीम हमने एडिशनल एसपीसी मनीष खत्री जी के नेतृत्व में बनाई थी। उसमें एसडीओपी मंडलेश्वर सिंह गबली और थाना प्रभारी बलकवाड़ा श्री ठाकुर ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये 5 आरोपियों में से 4 आरोपी धार डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, एक आरोपी कसरावा क्षेत्र का रहने वाला है। इनसे जो प्राइमरी पूछताछ और रिकवरी हुई है, उसमें अभी तक 11 मामलों में सफलता मिली है। 11 अपराधों में जो मोटरसाइकिल चोरी गई थी उनको सीज कर लिया गया है। ये मोटरसाइकिल इंदौर डिस्ट्रिक्ट से भी चुराई गई है, धार डिस्ट्रिक्ट से भी चुराई गई है और खरगोन डिस्ट्रिक्ट की भी है। तो इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे मोटरसाइकिल के अलावा भी कई मोबाइल चोरी घटनाएं वर्कआउट हुई हैं। मोबाइल चोरी के अलावा कुछ मोटर पंप जो 3 चोरी गए थे वो भी रिकवर हुए हैं। इस प्रकार ये काफ़ी बड़ा इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है जिसको पकड़ा है। अभी जो मोटरसाइकिल बरामद हो गई है, उसके बाद इनका रिमांड लेके फर्दर पूछताछ करेंगे। मुझे लगता है कि बाकी जिलों की भी मोटरसाइकिल इसमें और रिकवर होने की संभावना है। संबंधित जिलों की पुलिस को हमने सूचित किया है, जिससे आगे आके इन केसों में अपना वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।